रूस की आर्मी के फसे पंजाबी नौजवानों की एक होर वीडियो सामने आई है। इस वीडियो के नौजवान मदद की गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। यह वीडियो 17 मार्च से दसी जा रही है। दस दी कि गुरदासपुर का एक नौजवान रशियन आर्मी के फसया हुआ है, जिसके वालों पहला भी एक वीडियो जारी की सी, जिस उसके वालों मदद की गुहार लगाई सी। हुण मुड़ तो एक वीडियो सामने आई है। वीडियो के ऐसे नौजवानों के वालों कहा जा रहा है कि उन्होंने वापस भारत लिया जाए। उन्होंने कहना है कि आने वाले समय के उन्होंने मुड़ तो जंग लड़न के लिए यूक्रेन भेजा जा सकता है, जिसके चलते उन्होंने कहना है कि उन्होंने जान को खतरा है, हो सकता है कि आने वाले समय के उन्होंने जान भी जा सकती है। उन्होंने वालों वीडियो अजिहा दावा किया जा रहा है, जिसके चलते उन्होंने वालों मदद की गुहार लगाई गई है कि पंजाब सरकार उन्होंने मदद करे, भारत सरकार उन्होंने मदद करे तो उन्होंने वापस भारत लिया जाए। उतो दस कि बीते दिनों भी एक वीडियो सामने आई से, जिस हरियाणा का नौजवान नज़र आ रहा है, हुशियारपुर का नौजवान नज़र आ रहा है, गुरदासपुर का नौजवान उस वीडियो नज़र आ रहा है। तकरीबन 7 नौजवान से उस वीडियो जिदा के वालों कहा जा रहा है कि उन्होंने धोखे के रूस की आर्मी के भर्ती करवाया गया। उन्होंने कहना है कि वह तो टूरिस्ट वीज़ा से रशिया घूमन आए थे, जिस तो बाद उन्होंने कहना है कि रूस के घूमद्या उन्होंने एक टैक्सी ड्राइवर बेलारूस लै जाता है। उन्होंने कहना है कि उन्होंने नहीं सी पता कि बेलारूस के वीज़ा लगता है, जिस तो बाद उन्होंने कहना है कि टैक्सी ड्राइवर उन्होंने उत्थे ही छड़ के चलिया जाता है, जिस तो बाद पुलिस उन्होंने काबू करती है, तो बाद रूस की आर्मी के हवाले किया गया। जिस तो बाद उन्होंने कहना है कि रूस की आर्मी ने उन्होंने को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया तो उन्होंने आर्मी के भर्ती करवा लिया, तो उन्होंने हुण यूक्रेन लड़ाई लड़न के लिए भेजा जा रहा। अजिहे दावे जड़े ने उस वीडियो किए गए थे, उन्होंने वालों गुहार लगाई जा रही थी कि उन्होंने वापस भारत लिया जाए, क्योंकि वो ट्रेंड फौजी नहीं ने, वो ट्रेंड नहीं है, जिसके चलते उन्होंने वालों बार बार मदद की गुहार लगाई जा रही थी। उन्होंने कहना है कि उन्होंने धोखे के नाल रूस की आर्मी के भर्ती किया गया। उस तो बाद हुण उन्हां ही नौजवानों की एक होर वीडियो सामने आई है, जिस उन्होंने वालों कहा जा रहा है कि वह 10 दिन यूक्रेन के जंग लड़ के आए हैं फ्रंट लाइन से। उन्होंने कहना है कि वह जंग लड़ रहे थे, बाद दे विच हुण उन्होंने वालों मुड़ तो गुहार लगाई जा रही है। उन्होंने कहना है कि 2 दिनों के लिए उन्होंने वापस जरूर भेजा गया, पर मुड़ तो उन्होंने यूक्रेन जंग लड़न के लिए भेजा जा सकता है, जिसके चलते उन्होंने वालों खुद को जान का खतरा दसया गया। इसके नाल ही उन्होंने वालों गुहार लगाई गई है कि उन्होंने वापस भारत लिया जाए। जेकर अजिहा नहीं होंदा तो हो सकता है कि उन्होंने इस जंग के जान जा सकती है, जिसके चलते उन्होंने वालों मदद की गुहार लगाई जा रही है। तो दसी कि इस पूरी वीडियो आने तो बाद परिवार का भी रो रो के बुरा हाल है, परिवार परेशान ने। उन्होंने वालों भी लगातार भारत सरकार नाल संपर्क साधे जा रहे हैं ताकि जल्द तो जल्द इन्हां नौजवानों नूं उत्थों दी वापस भारत लिया जाए। तुसीं वी सुणो पूरा मामला की है, तो इस संबंधी नौजवानों दे वल्लों वीडियो दे विच की कुछ जानकारी दित्ती जा रही है। नमस्कार, आज 17 मार्च है और हम सब साथियों ने अपनी वीडियो के माध्यम से पहले भी बताया था कि हम यहाँ फंस चुके हैं और कल रात को हमें बिल्कुल फ्रंट लाइन के पास में डाल दिया है, और अब हमें अपनी भारत सरकार और इंडियन एम्बेसी को बताना चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाल लिया जाए, और ना ही हमारे पास कोई इंडियन एम्बेसी है, भारत सरकार की तरफ से कोई कॉल या मैसेज आया है। और यहाँ जो हमारे साथ पहले साथी थे उनको, 3 साथियों को हमारे पहले गोली लग चुकी है जो हमारे साथ पहले पिछले कैंप में थे, और अब यहाँ पर हमारा बचना मुश्किल है। भारत सरकार से हम यही विनती करते हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाल लिया जाए। धन्यवाद। नमस्कार, हम सब साथी यूक्रेन में हैं और हम रशिया आर्मी में फंस चुके हैं। हमने अपनी वीडियो के माध्यम से पहले भी बताया था, अब तक हमारी भारत सरकार की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और ना ही हमारे पास कोई अपडेट आई है। हम भारत सरकार से हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलवा लिया जाए। हम फ्रंट लाइन पर पिछले 10 दिनों से थे और वहाँ पर 10 दिन की ड्यूटी दे के आए हैं। वहाँ पर आगे बहुत ज्यादा खतरा है, हो सकता है कि अगली बार हम फ्रंट लाइन पर जाए तो हमारी लाशें भी आप सबको ना मिले। हमको 2-3 दिन के रेस्ट के लिए भेजा गया है और फिर हम दोबारा फ्रंट लाइन पे जाएंगे। हम सब साथी भारत सरकार और अपनी इंडियन एम्बेसी से हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलवा दिया जाए, वरना हमारी लाशें भी नहीं मिलेंगी।